स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। पंजाब में आई बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया, लेकिन इसी तबाही ने एक बेटे को 35 साल बाद अपनी मां से मिला दिया। ये कहानी गुरदासपुर जिले के कादिया के रहने वाले जगजीत सिंह और उनकी मां हरजीत कौर की है। जगजीत पटियाला के बोहड़पुर गांव में बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने पहुंचा था। यहाँ उसे नानी मिली, नानी ने ही बेटे को माँ से मिलवाया। ये रिपोर्ट आप देखिए। गले लगकर फफक फफक कर रो रहे इन माँ बेटी की आंखों से उमड़ रहा आंसुओं का ये सैलाब ऐसे ही नहीं है। पिछले 35 वर्षों का वो दर्द है जिसे 3 दशकों से बिछड़े हुए एक माँ और बेटा ही समझ सकते हैं। माँ बेटी की ये दास्तान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 35 साल की लंबी जुदाई के बाद आखिरकार माँ बेटे का मिलन हुआ। वो इमोशनल सीन जड़ा मैं बयान नहीं कर सकता तुहाडे नाल, जो उस समय दे हालात बने तां उस दौरान फिर मेरी माँ तक मैं पहुंचया। सारे मैनू अपने नानके परिवार का पता चलिया और उस तो बाद दीयां वीडियो जिहड़ियां तुसीं सोशल मीडिया ते सारियां चैनलों राहीं तुसीं देख चुके हो, जो जिस तरह मैं अपनी माँ नूं मिलिया। माँ प्यो जिहड़ी चीज़ इहो जिही है, जिहड़ी देखो पिता जिहड़ा आ ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਕੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਕਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਾੜ ਪੀੜਿਤੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਬ ਬੇਟਾ ਪੀੜਿਤ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। तब तक उसे नहीं पता होता जहां वो सेवा कार्य कर रहा है यही आसपास कहीं उसका ननिहाल भी है। जब बाढ़ पीड़ितों की सेवा के दौरान बेटे को उसकी बुआ का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसका ननिहाल भी यही आसपास कहीं है। हुण अचानक जड़ा फ्लड आया सीगा, हाड़ पीड़ितों वास्ते असी सेवा करने वास्ते पटियाले जिले दे विच सी, खालसा एड वालों अपनी भाई कन्हैया जी NGO वालों उत्थे सेवा निभा रहे सी। तो अचानक मेरी भूआ जी का फोन मैनू आता है कि बेटा कित्थे है, की कर रहा। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं पटियाले हाँ, तो उन्होंने मूँह चो अचानक आवाज़ आती है जो अज तक बंद रही कि बेटा तेरे नानके इधर ही साइड शायद है पटियाले जिले के। मैं बहुत हैरान होया कि मैं उन्होंने पूछा कि प्लीज़ दसोगे पिंड केड़ा आ। तो मैं उन्होंने पिंड पूरी तरह याद नहीं सी, उन्होंने पिंड का नाम लिया बोहड़पुर। तो मेरे एक ताया जी सी, उन्होंने मैं पूछया कि मैं उस पिंड दे विच जाना चाहुंदा। मैं उस पिंड दे विच गया, पिंड दे विच जा के जदों मैं फाइंड आउट, क्योंकि मैनू ना ते कुछ नहीं सी याद अपने नाना जी दा नानी जी दा कोई भी क्ल्यू नहीं सी याद। तो मैं अपने ताया जी नूं फोन कीता कि प्लीज़ मैनू कुछ ना कुछ दसो जिहदे नाल मैं अपने नानके परिवार नूं लभ सकां। तो उन्होंने दस्सिया कि तेरे नाना जी दी जिहड़ी पैरालाइज दे नाल जिहड़ा ओह मूंह विंगा हो गया सी, मैं देखिया सी उन्होंने। बुआ से फोन पर बात होने के बाद बेटा अपने ननिहाल की खोज शुरू करता है। जब तक उसे नहीं पता था उसके ननिहाल में उसकी माँ भी उसे मिल जाएगी। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल तक पहुँचता है, मगर अभी तक सब कुछ मानो एक सपने जैसा था। चुनौती थी सच्चाई का पता लगाने की। सुनिए, जब जगजीत अपने ननिहाल पहुँचा तो वहाँ क्या हुआ। उस पिंड दे विच मैं किसी बुजुर्ग नूं पुछया कि तुहाडे पिंड दे विच किसी नूं पैरालाइज ना 10 साल पहला या 5 साल पहला या प्रेजेंट कोई बुजुर्ग है। तो उन्होंने सिर्फ इक्को शख्स का नाम लिया, प्रीतम सिंह, जो मेरे नाना जी सी। तो मेरी खुशी का कोई टिकाणा नहीं सी, शायद मैं पहुँच चुकिया सही जगह पर। तो जदों मैं उस घर दे विच पहुँचया, दरवाज़ा खड़काया, एक बुजुर्ग निकले ने बाहर, शायद मेरे नानी सी। तो मैं उन्होंने सत श्री अकाल बुलाई, अंदर गए, आपां कहा तुहानूं मिलना सी, कहिंदे आ जाओ। तो वह पानी लैके आए तो मैनू कहिंदे कि मैं शायद तैनू देखिया कितें बेटा, नानी मेरी। तो उदों मेरी अखां च हंझू आए। तो मैं उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुहाडे किन्ने बच्चे आ। उन्होंने दस्या कि मेरी 4 बेटियां एक बेटा आ। तो पहला थोड़ा झिझके घबराए कि इन्नी छानबीन क्यों कौन कर रहे हैं अननोन परसन। तो फिर उन्होंने दस्या कि हाँ, मैं उन्होंने पूछा कि कोई बेटी तुहाडी जिन्हां दी दोबारा तुसीं मैरिज कीती होए जां उन्हां दा हसबैंड दी डैथ हो गई होए दोबारा लिआंदा होवे। तो उन्होंने दस्या कि हाँ, एक बेटी सी उन्हूं असी लैके आए सी, उहदे हसबैंड की डैथ हो गई, तो उहदा एक बेटा सीगा सोनू। तो उदों मेरियां अखां दे विच हंझू आए, तो मैं उठ के कहा कि वह बदनसीब सोनू आ तुहाडे सामने खड़ा। तो मेरी नानी ने मैनू घुट के जफ्फी पाई।
जगजीत अपने ननिहाल पहुंचा और सच्चाई का पता चलते ही उसकी माँ ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे, मानो जैसे 35 वर्षों की जुदाई का दर्द आंखों के रास्ते आंसुओं में बह रहा हो। बेटा माँ की हालत देखकर भावुक हो जाता है, क्योंकि वो जब बहुत छोटा था तब उसे बताया गया था कि उसके माता पिता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो गई। जो मैं घर दे विच अपना मेंटेन करना शुरू किया, घर की साफ सफाई, तो मैनू उहदे विचों एल्बम्स लभियां मेरे मम्मी डैडी दे विआह दीआं। तां उस समय मैं अपने फादर साहब नूं दादा जी नूं पुछिआ कि ये एल्बम किहदी है, तां फिर उन्होंने दस्सिया कि ये तेरे मम्मी डैडी सी जिन्हां दी एक्सीडेंट कारण मौत हो गई, तां असीं तैनूं ये चीज़ अज तक नहीं दसी। उन्होंने भी उदों ये नहीं दस्सिया कि तेरी माँ है, उन्होंने यही कहा कि तेरे पेरेंट्स की डैथ हो गई सी एक्सीडेंट दे विच। तो उस तो उपरंत जो मैं होर थोड़ा जवान होया, मैच्योर होया, तो मेरे दादा जी भी डैथ हो गई, तो मैनू जदों तक पता लग्या कि मेरी माँ इस दुनिया ते है जड़ी मैनू छड़ के गई सी, उदों तक जेड़े इस राज नू जानदे सी मेरे दादी दादा जी मेरे ताई ताया जी, वो इस दुनिया तो जा चुके सी जेड़े राज इस नू जानदे सी। तां अचानक मैनू ये बड़ा दुख होना कि मेरी माँ है पता नहीं केड़ी जगह कित्थे होएगी किद्दां होएगी, मेरे मन दे विच तांग सी। जगजीत सिंह बचपन से ही पंजाबी गीत मावा ठंडिया छावा सुनते आ रहे थे, लेकिन 35 साल बाद जब वो माँ से मिले तब उन्होंने इस गीत की उन पंक्तियों को पहली बार महसूस भी किया। माँ के सीने से लगकर उस लम्हे में इसे जिया। दोनों काफी देर तक रोते रहे। बुजुर्ग हो चुकी हरजीत कौर की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। माँ बेटे की इस दर्द भरी कहानी को जिसने भी सुना और तस्वीरों में देखा वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। शायद ये माँ की ममता ही थी जिसके आगे शायद कुदरत को भी झुकना पड़ा और एक माँ को उसके कलेजे का टुकड़ा वापस मिल गया। SS वली बटाला की रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।